इस्तीफा दे दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। आपको बता दें, सिद्धू ने 10 जून को राहुल गांधी को खत लिखा था पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का मंत्री पद से इस्तीफा। दरअसल मंत्रालय बदल दिया गया था नवजोत सिंह सिद्धू का, और उसके बाद से लगातार टकराव की स्थिति बढ़ रही थी। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया है, उसके अंदर उन्होंने एक चिट्ठी भी अपनी डाली है जो कि उन्होंने लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को। 10 जून की ये चिट्ठी है और उस दौरान ये कहा गया है कि 10 जून को नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी इस पर कुछ रिस्पॉन्स दें, लेकिन अब तक राहुल गांधी ने उनके जो इस्तीफा जो उन्होंने दिया था बतौर कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी डिसीजन अब तक नहीं लिया है और इसी वजह से अब वो अपने इस्तीफे को मंजूर मान रहे हैं। ये बात नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके जानकारी दी है। मोहित, लेकिन किस रूप में लिया जाए, राहुल गांधी का इस पर कोई रिस्पॉन्स ना करना? देखिए, जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया उस वक्त राहुल गांधी भी अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे और उस दौरान कांग्रेस के जितने भी आलाकमान थे, जितनी सीनियर लीडरशिप थी, उसके अंदर काफी मनमुटाव चल रहा था, काफी हंगामा कांग्रेस के अंदर इंटरनली मचा हुआ था कांग्रेस आलाकमान में। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस्तीफे पर गौर नहीं किया गया और नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि जल्द से जल्द राहुल गांधी कुछ रिस्पॉन्स दें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार उनको पंजाब सरकार में साइडलाइन करते जा रहे थे। इसी वजह से जब नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि उनके इस्तीफे पर कुछ भी गौर नहीं किया गया है, राहुल गांधी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, तो अब उन्होंने पब्लिक कर दिया इस चिट्ठी को और ये माना है कि वो मानकर चल रहे हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है जो कि उन्होंने राहुल गांधी को भेजा था। लगातार जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ टकराव की स्थिति सिद्धू की, मोहित, बनी हुई थी और ये भी खबरें थी कि राहुल गांधी से संपर्क में है नवजोत सिंह सिद्धू, उनसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे, तो क्या ये माना जाए सिद्धू के इस्तीफे को कि क्या राहुल गांधी के साथ कोई बात नहीं बनी जिसके चलते इस्तीफा दिया? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जो नवजोत सिंह सिद्धू का महकमा है, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट, उसने शहरों में अच्छा काम नहीं किया, इसी वजह से लोग गुस्से में थे और कांग्रेस को उन्होंने शहरों में वोट नहीं किया और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू पर डालते हुए उनका मंत्रालय शिफ्ट कर दिया गया था। और करीब 37 दिन हो चुके हैं ये सब कुछ जो रीशफलिंग हुई थी पंजाब कैबिनेट में, लेकिन उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको जो नया महकमा दिया गया था बिजली मंत्रालय, उसका कार्यभार नहीं संभाला। उनको लगातार कई लोग, उनके जो साथी कैबिनेट मंत्री थे, पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने एक राय भी दी कि आप जिद छोड़िए और अपना कामकाज संभालिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जब भी चाहे अपने कैबिनेट के मंत्रियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट कर सकता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पूरी बात को अपने ईगो पर ले लिया। उन्होंने राहुल गांधी के सामने शर्त रखी थी कि वो बिजली विभाग तभी संभालेंगे जब उनको पंजाब कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी दी जाए, कोई सीनियर पद उनको दिया जाए, लेकिन ये तमाम जो शर्तें थी वो नहीं मानी गई। इसी वजह से सिद्धू की जो नाराजगी थी वो बढ़ती गई। 10 जून को उन्होंने ये इस्तीफा अपना जो लिखकर भेजा था, इस पर नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने आज तक किसी से बात शेयर नहीं करी कि उन्होंने वो अपना इस्तीफा कैबिनेट मंत्री पद से भेज चुके हैं, लेकिन आज जब उनको लगा कि अब उनको लेकर कांग्रेस कोई फैसला नहीं लेने वाली, राहुल गांधी खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो उन्होंने आज अपना ये जो इस्तीफे की चिट्ठी है वो सार्वजनिक कर दी है, ट्वीट करके जानकारी दी खुद ही कि वो अब मंत्री नहीं है, उन्होंने पंजाब कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी एक बात एक और है कि क्या वो कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस चिट्ठी में उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि वो पंजाब कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस छोड़ने की बात उन्होंने अब तक नहीं कही है। जी, तो क्या मोहित अभी इंतजार करना होगा कि कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर का इस पर कोई रिस्पांस सामने आए या फिर राहुल गांधी का रिस्पांस सामने आए? जी बिल्कुल, देखिए इस पर देखना होगा कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप क्या कहती है, क्योंकि अगर ये इस्तीफा मंजूर किया गया होता तो पहले इस बारे में जानकारी मिल जाती और सिद्धू भी ये कह रहे हैं कि 10 जून को वो इस्तीफा सौंप चुके हैं और अब तक कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद वो ये मान रहे हैं कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है और इसी वजह से उन्होंने ये जो इस्तीफे की चिट्ठी है उसको सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से या पंजाब कैबिनेट के जो अन्य मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई भी इस मामले पर अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आएगी कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कर दिया कि जो पूरी लड़ाई उनकी चल रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, उसमें वो झुके नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने अब अपना मंत्री पद भी छोड़ दिया है। पर मोहित, पंजाब सरकार में मंत्री है ना सिद्धू, तो फिर राहुल गांधी को इस्तीफा ट्वीट करने को किस रूप में देखा जाए?
देखिए इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि जब कैबिनेट में रीशफलिंग हुई तब भी नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास नाराजगी दिखाने के लिए नहीं गए, वो सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते हैं, प्रियंका गांधी से मिलते हैं, उनको पूरा जो अपनी सफाई देते हैं, अपने महकमे में उन्होंने जो कामकाज किया है उसका लेखा जोखा देते हैं और कहते हैं कि उनके मंत्रालय की वजह से चुनाव लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी पंजाब में, कुल 13 सीटें, 8 सीटें कांग्रेस जीती थी, 5 पे हार गए थे, तो वो 5 का ठीकरा जो नवजोत सिंह सिद्धू पर फोड़ा गया उस पर उन्होंने सफाई भी दी। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की दिखाने की कोशिश है कि वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका कद छोटा नहीं है, पैरेलल वो अपने आप को समझते हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुकाबले के नेता हैं, इसी वजह से वो सीधा जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, जो भी चिट्ठियां लिख रहे हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लिख रहे हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगातार वो नजरअंदाज कर रहे हैं। मोहित, रही आप हमारे साथ, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा भी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, सिद्धू ने पंजाब सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री उनको ना सौंपकर ट्विटर के जरिए राहुल गांधी को दिया गया है, इसे किस तरीके से देखें? देखिए आप इसको सिंबॉलिक कह सकते हैं, क्योंकि अगर मंत्री पद से इस्तीफा देना है नवजोत सिंह सिद्धू को तो उनको मुख्यमंत्री को ही देना होगा, और क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, बनाते हैं अपने मंत्रिमंडल में, और राहुल गांधी को वो इस्तीफा भेजने का मतलब सिर्फ ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना कद बताना चाह रहे हैं कि वो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से कम कद नहीं रखते हैं, उनके अंडर काम नहीं करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और लगातार जो टसल चली आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो पार्टी में दूसरे धड़े के तौर पर राहुल गांधी को उन्होंने रिपोर्ट किया है इस इस्तीफे के जरिए कि वो खुश नहीं है वहां के का जो नेतृत्व है कांग्रेस का और उसके साथ काम करने के इच्छुक नहीं है। तो एक तरीके से वो अपना कद भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं राहुल गांधी को, क्योंकि लगातार जो सिलसिला चल रहा है रेजिग्नेशन देने का राहुल गांधी के समर्थन में तमाम लोगों का, उसी कड़ी का एक हिस्सा बनाते हुए सिद्धू ने भी ये कहा है कि अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है उनका और पार्टी को ये लगता है कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो वो अपना इस्तीफा राहुल गांधी को सौंपे। चलिए शुक्रिया अनुराग ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो सिद्धू ने तो ये जताने की कोशिश कर दी है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से किसी भी तरीके से छोटे नहीं है, उनका कद उनके बराबर है, और ऐसे में वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लगातार उनके साथ सिद्धू के टकराव की तस्वीर बयानों के जरिए, कई बार फैसलों के जरिए भी सामने आती रही है, और यही वजह थी कि शहरी मंत्रालय लेकर बिजली मंत्रालय सिद्धू को दे दिया गया था, लेकिन मंत्री पद नहीं संभाला था सिद्धू ने और अब इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मुख्यमंत्री को ना सौंपकर राहुल गांधी को ट्विटर के जरिए दिया, लेकिन क्या राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान ने भी जता दिया है कि वो सिद्धू के इस कदम को स्वीकार नहीं करते?